हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नदर न्यू वीडियो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरह से वन वीक में मैंने अपना थ्री के लूज़ किया है विद इंटरमेट फास्टिंग और आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं अपने वेट को मेंटेन करती हूँ दो बच्चों के बाद से मैं किस तरह से अपनी डाइट लेके चलती हूँ और मैंने बच्चों के बाद बीस से पच्चीस के किस तरह लूज़ किया है ये भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं और जब भी कोई फंक्शन या इवेंट आता है उससे पहले मैं क्या डाइट फॉलो करती हूँ कि आराम से अपना दो से तीन साढ़े किलो मैं वजन जो है वो कम कर लेती हूँ मेरा वेट जो है वो दो तीन किलो बढ़ गया था और मैंने इसको जो है वो कम किया विद विंटरमेटेंट फास्टिंग इंटरमेटेंट फास्टिंग का जो रेशो मैंने फॉलो किया वो 16 रेशो एट था 16 रेशो एट का मतलब है कि घंटे घंटे आपने फास्टिंग में रहना 8 आप जो है वो खा पी सकते हैं मैंने किस तरह से आठ घंटे में अपनी डाइट को फॉलो किया ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज मॉर्निंग में मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ अच्छा आप चाहें तो ये रात में भी कर सकते हैं टाइम की कोई लिमिट नहीं है पहले बॉडी को आप दस से पंद्रह मिनट जो है वॉर्म अप कर लें अब आपको मैं बताऊंगी साइड आपके जो लव हैंडल्स होते हैं साइड Uh, जितना भी आपका फ़ैट होता है आप उसको किस तरह से लूज़ कर सकते हैं इस तरह से आपने तीन सेट्स करने हैं ट्वेंटी ट्वेंटी के फिर आपने ये ट्विस्टर करना है तीन सेट्स ही करने हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टाइम और इन एक्सरसाइजेस से जो आपका कमरा बना हुआ ना वो कमरिया बन जाएगी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जितना लोड़थड़े लटके हुए होंगे ना आपके गोश्त के वो सब खत्म हो जाएंगे एक वीक के अंदर अंदर फिर जिन लोगों के हम्प होता है गर्दन पे या डबल चिन होती है उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है आपने अपने आप को इस तरह से होल्ड करना है ट्वेंटी सेकेंड के लिए फिर आप टेन सेकेंड का गैप लेके थ्री टाइम्स आपने जो है ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड्स के लिए आपने इस तरह अपने आप को होल्ड करना है इससे आप यकीन के आपका जितना भी गर्दन के आसपास जितना भी गोश्त है जितना भी फैट होता है ना सब बैलेंस हो जाता है आपकी गर्दन प्रॉपर शेप अप हो जाती है अच्छा ये मैं एक बात बता दूं आपको एक्सरसाइज में अगर आप कुछ नहीं करना चाहते अगर आप पूरे दिन में सिर्फ एक मिनट अगर आप ये प्लैंक कर लेना प्लैंक इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है Uh, कि यकीन करें आपकी पूरी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा फैट होता है ना आपकी बॉडी टोन अप हो जाती है जैसे कि वेट लॉस के बाद आपको लगता है कि यार आपकी बॉडी जो है लूज हो रही है इससे आप यकीन करें आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा फिट अपनी उसमें आ जाएगी ना शेप में फॉर्म में और इससे बड़ी जल्दी आपका बेली फैट और जितना भी इधर उधर का लोधड़े लटके होते हैं ना हमारे गोश गोश्छ के वो सब खत्म हो जाएंगे वन मिनट आपने प्लान करना है एक दिन कोई और बेशक एक्सरसाइज ना करें हम डैन अच्छा जी अब यहाँ पे आ जाते हैं हम डिटॉक्स वाटर की डिटॉक्स वाटर जो मैंने पूरा हफ्ता फॉलो किया उसमें मैंने जिंजर लिया क्यों लिया एंड लेमन लिया ये डिटॉक्स वाटर आपने जो है वो रात को बना के रख देना है ताकि सुबह तक इन सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए इन सारों की जितनी भी तासीर है ना वो सारी उसके अंदर अच्छी तरह से वाटर के अंदर जो है वो डिजॉल्व हो जाए हम फिर वो डिटॉक्स वाटर लें ऐसा कभी नहीं करना कि बस अभी बनाया और अभी पी लिया नहीं आप इसको ओवरनाइट रखें सोक्ड रखें वाटर में फिर आप इसको अगले दिन जो है आप पूरा दिन पी लें यहाँ पर हम बात करते हैं अब अपने नाश्ते मॉर्निंग में आपको पता है कि सिक्सटीन रेशो एट की बात की है सुबह मैं बारह बजे से लेके 8 आठ बजे तक मेरा जो है वो ओपन विंडो थी मैं उसमें खा सकती थी और आठ बजे से सुबह बारह बजे तक मैंने कुछ भी नहीं खाना था सिर्फ मैं लिक्विड लेती थी अच्छा सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ सबसे पहले मैं पीती हूँ गर्म पानी आपने गर्म पानी पीना है इस पूरे वीक में आपने ठंडा पानी नहीं पीना क्योंकि गर्म पानी सुबह आप जब पीते हैं ना बिना टूथब्रश किए हुए वो जब गर्म पानी आपकी बॉडी के अंदर जाता है ना तो आपके सारे डक्स को क्लियर कर देता है और बड़ी जल्दी टॉक्सी डीटॉक्सीफाई हो जाती है बॉडी आपने गर्म पानी किया एक कप ठीक है आप चाहे तो माइक्रोवेव में कर सकते हैं आप चाहे तो देचकी में कर सकते हैं उसमें आपने ऐड करना है एक लेमन और इसको आपने पी लेना है सुबह अराउंड 11:30 थर्टी क्योंकि बारह बजे हमारा जो है वो फिर नाश्ते का टाइम होगा ठीक है अच्छा नाश्ता जैसे कि मैंने बारह बजे करना है मैं रात आठ बजे से लेकर सुबह तक बारह बजे तक भूखी थी मैंने नाश्ते में पराठा लिया जो कि मेरा पराठा था सिक्सटी ग्राम्स का मैंने पेड़ा लिया था उसका पराठा बनाया जिस पर मैंने लगाया ऑलिव ऑयल आप देसी घी भी लगा सकते हैं ज़्यादा नहीं लगाना हाफ टेबल स्पून इनफ है साथ मैंने ले लिया इसके एक फ़्राई अंडा एंड एक जो है वो शामी कबाब जिसमें मेरा जो है वो एक पोर्शन ऑफ प्रोटीन हो गया वन पोर्शन ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू टू एग्स दो शामी कबाब मैंने यहाँ पे बैलेंस कर लिया कि एक मैंने अंडा ले लिया एक मैंने शामी कबाब ले लिया आप चाहें तो ऑमलेट अंडा भी ले सकते हैं और साथ मैंने जो है वो अपने काप के पोर्शन में रोटी ले ली साथ मैंने एक कप चाय ले लिया जो हमारा डेरी का पोर्शन हो गया ये मेरा एक हेल्दी नाश्ता हो गया जो कि मैं अपनी जब मेरा सुबह फास्टिंग का टाइम खत्म होता है तो मैं नाश्ता लेती क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को आ, एनर्जी भी देनी है और प्रोटीन इनटेक जरूर लेना ताकि मेरा हेयर फॉल ना हो और मेरी स्किन फ्रेश रहे अगर आप वेजिटेरियन है तो आप अंडा नहीं लेते अगर आप चिकन या कुछ ऐसा गोश वोश नहीं खाते तो आप कोई भी सालन सब्जी वाला ले सकते हैं या दालें ले सकते हैं दालें भी जो है वो प्रोटीन में आती हैं तो आप अपने नाश्ते में जो है दाल ले सकते हैं पराठे के साथ ब्रेड ले सकते हैं सिंपल रोटी ले सकते हैं आप कुछ भी ले सकते हैं काप्स के पोषण में यहाँ पे मैंने आज बनानी थी भिंडी मैंने सोचा चलो आज भिंडी की रेसिपी आपकी साथ शेयर कर देती हूँ बीच में जो है वो मैं अपना जो डिटॉक्स वाटर है वो भी पीती रहती हूँ और गर्म पानी का मग भी पीती रहती हूँ साथ साथ आ, ताकि जो मेरा वाटर इनटेक है वो ठीक रहे आ, आपने अपना जो पानी का जो इनटेक है वो ज़्यादा रखना है। आपने अपने फास्टिंग के टाइम में कम से कम तीन लीटर ऑफ वाटर ज़रूर पीना है यहाँ पे मैं बना रही थी भिंडी भिंडी को मैं डीप फ्राई नहीं करती हल्का सा ऑयल डाला उसको मैंने सॉटे किया ठीक है साथ ही मसाले मैंने डाले फिर टमाटर प्याज डाल के उसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स करके और उसको मैं यहाँ पे रख दूंगी दम पे जब मेरा सालन जो है वो दम के लिए रेडी हो जाता है ये देखें यहाँ पे मैंने जो है वो कोई ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कॉमेंट्स आ रहे थे कि भिंडी में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है मैं ऐसे भिंडी बनाती हूँ हल्का सा ऑयल सारी चीज़ों को मिक्स किया अब इसको दम पर रख दूंगी और यहाँ पर दम पर रखने के बाद आप लोग के मुझे कॉमेंट्स आ रहे थे आप स्किन के लिए क्या यूज़ करती हैं तो मैं जब भी खाना दोपहर में बनाती हूँ ना तो मैं मुंह पर कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ आज जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टमाटर के ऊपर मैंने लिया ये राइस पाउडर ठीक है चावलों का आटा सॉरी फ्लोर राइ, राइस फ्लोर एंड उसके ऊपर लगाई थोड़ी सी शहद इसको मैं फेस पे मसाज कर लूंगी जब डेली आप कुछ भी बनाते हैं सब्जी में चाहे आप फ्रूट खा रहे हैं आप यकीन करें जब आप सालन को दम रख देते हैं ना मतलब फ्री हो जाते हैं फिर आपने अपने फ़ेस को वॉश करके अच्छी तरह कोई भी क्यूकम्बर लगा लें आलू लगा लें आप कोई भी सब्ज़ी जो है ना अपने फेस पे लगा सकते हैं मैंने यहाँ पे टमाटर लिया हाफ़ उसके ऊपर मैंने राइस फ्लोर डाला एंड उसके ऊपर थोड़ी सी शहद डाल के उसको हल्के हाथों से मसाज करना है अच्छा चावलों का जो आटा ना उसमें बिल्कुल पाउडर बनाना है ताकि ये जो है ना आपके फेस के ऊपर स्क्रैच ना करें वरना रैशेज हो जाएंगे मेरी स्किन सेंसिटिव है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल बारीक इसका पाउडर वो यूज करती हूं आ, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो थोड़ा सा आप इसको एज अ स्क्रब जैसे स्क्रब में वो दानेदार सा होता है वैसे भी रख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि आप बिल्कुल पाउडर जो फॉर्म है चावलों के आटा का वो यूज करें आप यकीन करें चावलों का आटा हनी एंड टमाटर के ऊपर जब लगा के उसको आप फेस पर लगाते हैं इतना अच्छा ग्लो आता है फेस पे जितनी भी डेड स्किन होती है आपकी रिमूव हो जाती है स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है शाइन ऐसी और लिप्स पे भी रगड़ने से आपके लिप्स पे पिंकिश टोन आ जाए आपकी जो है वो लिप्स फ्रेश हो जाएंगे स्किन आपकी बहुत ज्यादा जो है ना वो ग्लो करने लगेगी मैं ये चीजें हैं जो ज्यादातर यूज करती हूँ अपनी फेस पे डेली मैं अपने फेस पे कुछ ना कुछ अपने किचन से निकाल के लगाती हूँ चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो कोई भी सब्जी हो आ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं बस दस से पंद्रह मिनट के लिए इसको मैं हल्के हाथों से मसाज करती रहूँगी और यहाँ पर मैंने फेस वॉश कर लिया और आप इंस्टेंट इसका रिजल्ट देख लें कि एकदम से स्किन कितनी ज़्यादा शाइन करती है और सारा धूल मिट्टी खत्म हो जाती है अच्छा साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपना डिटॉक्स वाटर और इस तरह जो कावा हो गया मतलब आप इस तरह से जो है ना ग्रीन टी ले सकते हैं आप इवन चाय भी पी सकते हैं फिर अराउंड तकरीबन दो ढाई बजे मैं जो हूँ लंच नहीं करती लंच मैं स्किप करती हूँ दो ढाई कि करीब मुझे जैसे अगर भूख लग रही है तो मैं फ्रूट का इंटेक लेती हूँ और फ्रूट आपने जो है 80 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना मैं नट्स भी ले लेती थी, थी किसी दिन मैंने फ्रूट ले लिया किसी दिन मैंने 1 टेबल स्पून नट्स ले लिया किसी दिन मैंने जो है वो आ, इन दोनों चीजों के अलावा अगर मेरा दिल कर रहा है तो मैं दो डेट्स ले लेती ले ले थी दो अंजीर ले लेती थी या 60 टू 90 ग्राम ऑफ काले चने या आप ये ले सकते हैं पॉपकॉर्न का एक बाउल ले सकते हैं या कोई भी सैलेड आप जो है वो बना के ले सकते थे अपने लंच के टाइम में लंच में आपने जो है कार्ब्स इन सब चीजों से परहेज करना है। फिर शाम जैसे होती है पाँच साढ़े पाँच बजे वॉक करती हूं ट्वेंटी करें।, करें, करें आप दोनों आप यकीन करें बीस से पच्चीस मिनट अगर आप डेली वॉक भी कर लेना अलावा अपने घर के कामों के इतनी ज्यादा इफेक्टिव है ना क्योंकि ये जो चलना होता है ना ये टोटली आपके वेट लॉस से रिलेटेड बाकी घर के काम करना एक्टिव रहना तो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर पूरे दिन बेड पे बैठे रहेंगे और हेल्पर से काम कराते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है आपका वेट लॉस कभी भी नहीं होगा चाहे आप बैलेंस डाइट भी ले रहे हो तो हेल्पर्स के साथ खुल भी हेल्प किया करें घर में इन्वॉल्व किया करें, हुआ करें घर को ओन किया करें मैं अपने सारे काम खुद करती कर जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा लाइट और हैप्पी फील करती हूँ जैसे ही मैं वॉक से फ्री होती हूँ मैं बनाती हूँ स्मूदी मैं कोई भी फ्रूट लेती हूँ जैसे आज मैंने जो है वो फिफ्टी ग्राम्स का मैंगो लिया उसमें मैंने चार से पाँच टेबल स्पून जो है वो दही के लिए उसको मैंने ब्लैंडर में डाला और ब्लैंडर

है वो करना स्टार्ट कर लेती हूँ यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ़ाइव टेबल स्पून ऑफ चावल अगर आपके घर में चावल बने हुए हैं अगर रोटी सालन में बनी हुई है तो दोनों को बैलेंस किस तरह करेंगे ये मैं आज को आपको बताती हूँ फ़ाइव टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चावल ले लिया साथ मैंने जैसे बनाई थी भिंडियाँ और भिंडियों की आप शक्ल देख लें बहुत ही मज़ेदार भिंडियाँ बनी थी कोई ऑयली नहीं थी आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर रोटी मैं ले रही हूँ 50 ग्राम्स की रोटी 5 टेबल स्पून ऑफ़ मैंने चावल ले लिया जो कि मेरे टू पोर्शन ऑफ कार्ब्स हो गए साथ मैंने भिंडी ले ली जो पोर्शन फ्री हो गया हमारा आप चाहें तो सिर्फ चावल भी ले सकते हैं 10 से 12 टेबल स्पून सिर्फ रोटी भी ले सकते हैं सेवेंटी टू एटी ग्राम्स की सालन के साथ ये आपकी चॉइस है आप जो चाहे ले सकते हैं यहाँ पे चावल भी बने हुए थे मेरे इस दिन और रोटी भी थी तो मैंने दोनों को बैलेंस करना आपको सिखाया कि आप किस तरह से दोनों को एक साथ में भी ले सकते हैं अगर आपको चावल की भी क्रेविंग हो रही है रोटी की भी है तो आप किस तरह से दोनों को बैलेंस फॉर्म में ले सकते हैं तो डिनर मैं थोड़ा सा हेल्दी करती थी जैसे मैंने नाश्ता हेल्दी किया क्योंकि आठ बजे के बाद मेरा बिल्कुल वो सुमुन बुकमन हो जाना है सिर्फ मैं वाटर एंड ले लेती हूँ जो मेरा 16 घंटे का रोजे का टाइम होता है फास्ट का टाइम होता है उसमें मैं थ्री लीटर्स ऑफ पानी ज़रूर पीती हूँ उसमें डिटॉक्स टी लूँ डिटॉक्स वाटर लूँ पानी लूँ नीम गर्म पानी ठंडा पानी नहीं पीना और रात को जब मैं सोने लगती हूँ उस वक्त मैं लेती हूँ ये डिटॉक्स टी ये डिटॉक्स टी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो भी आपने खाया पिया है वो सब हज़म और सारा जो है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा और दूसरा हमने वैसे भी जो खाना लिया पूरा दिन वो बैलेंस फॉर्म में हमने काब्स लिए प्रोटीन लिए फ्रूट लिया डेरी लिया हमने नट्स भी लिए सो so हर चीज जो है हमने बैलेंस फॉर्म में ली फैट भी हमने कम से कम यूज़ किया और ये डिटॉक्स टी आपने बनानी है दो कप आप डालेंगे तो एक कप के बराबर जब पानी रह जाए या डेढ़ कप पानी जो आप डालेंगे उसमें एक कप के बराबर रह जाए सारी चीज़ें पुदीना था इसमें सौंफ थी इलायची थी दालचीनी थी और थोड़ी सी आप चाहें तो अदरक भी ऐड कर सकते हैं ये आप इसको बना लें और रात को सोने से पहले आप ले लें ले इसको और इसके बाद आप सो जाएँ और आपका जो फास्टिंग का टाइम है छोला घंटे उसमें आपने मेक श्योर करना के पानी का इंटेक आप रखें ग्रीन टेक टीका एंड इनटेक रखें बट आपने सॉलिड्स नहीं लेने ये वो डाइट प्लान है जो आ, मैंने जो है फॉलो किया एक हफ़्ता और अपना तीन से साढ़े तीन किलो वज़न जो है कम किया अच्छा इसमें आप चेंज कर सकते हैं डे टू डे आपने जो भी सब्जी की ली है आप सब्ज़ी जितनी आप मर्जी लें उसका कोई पोर्शन नहीं है आप रोटी लेंगे बैलेंस फॉर्म में जिस तरह से मैंने डिनर में बताया है चावल मैंने जिस तरह से बताए हैं और नाश्ते में आप चाहे तो ब्रेड ले सकते हैं चाहे तो आप बन ले सकते हैं आप कुछ भी ले सकते हैं बट दैट शुड बी एटी ग्राम्स के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि आप ही हमारा जो है सी सेक्शन हुआ, हुआ हुआ है क्या हम ये डाइट फॉलो कर सकते हैं क्या हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं तो मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से हुए हुए हैं आप आफ्टर सिक्स मंथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज़ का ड्यूरेशन आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएँ अब जैसे मैंने आपको कहा है कि प्लैंक पूरे दिन में आपने एक मिनट करना है आप एक मिनट से स्टार्ट नहीं होंगे आप टेन सेकेंड से होंगे फिफ्टीन करेंगे फिर ट्वेंटी करेंगे फिर आप जो है एक हफ्ते के अंदर या दस दिनों में जो है एक मिनट तक जाएंगे सो आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई है जो डाइट प्लान मैंने फॉलो किया इसको फॉलो करने के बाद मैंने किस तरह से तीन के लूज किया है आ, आप इसको जरूर फॉलो करिएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कोई भी सवाल हो तो मुझे पूछेगा मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को जरूर लाइक करिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक केयर